हिंदी लेक्चर स्टीम ट्रैप्स। स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तीसरा पार्ट। स्टीम ट्रैप स्टीम सिस्टम्स या स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब बॉयलर में पैदा की हुई स्टीम प्लांट की तरफ फ्लो करती है तो हीट लूज करती है, और इस हीट लूज करने की वजह से ये ठंडी होने लग जाती है, और जब स्टीम ठंडी होती है तो उसमें पानी जो है वो कंडेंस हो जाता है, स्टीम जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंडेंस्ड वाटर जो स्टीम से कंडेंस होकर पानी बना है ये सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, क्योंकि ये स्टीम के साथ फ्लो करता है और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं रास्ते में जो इक्विपमेंट आएगा उसको डैमेज करेंगी, और ये टकराती हुई बूंदें जो हैं ये कंडीशन पैदा करती हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर हैमर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंडेंस किए हुए पानी को स्टीम से हटाया जाए, और इसके लिए स्टीम ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टीम में जो पानी कंडेंस हो गया है उसको दूर किया जा सके। इस चित्र में हमने एक प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन दिखाया है। इस प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन में सेफ्टी वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट दिखाया है इधर वो है सेपरेटर। ये सेपरेटर जो है स्टीम में से कंडेंस्ड पानी को सेपरेट आउट कर देता है। तो इसके बाद एक लाइन तो चलती है लो प्रेशर स्टीम की, और दूसरी लाइन में है कंडेंसेट, जिसको हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम ट्रैप्स को हम स्टीम से कंडेंसेट या कंडेंस किए हुए पानी को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टीम ट्रैप के कई तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं। स्टीम ट्रैप का सबसे कॉमन डिजाइन जो है वो है मैकेनिकल ट्रैप, और थर्मोस्टेटिक ट्रैप। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप्स कई डिजाइन में उपलब्ध हैं। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड बकेट ट्रैप दिखाया है। इस चित्र में हमने फ्लोट ट्रैप दिखाया है। यहाँ पे हमने बेलोज ट्रैप दिखाया है जो थर्मोस्टेटिक स्टीम ट्रैप का एक एग्जाम्पल है। स्टीम और कंडेंस किए हुए पानी की डेंसिटी अलग अलग होती है। इस
डेंसिटी डिफरेंस पे ही मैकेनिकल ट्रैप का डिजाइन आधारित है। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप में एक फ्लोट होता है जिसके साथ एक मैकेनिकल लिंकेज जुड़ा हुआ होता है। जब कंडेंसेट का लेवल राइज होता है तो जो फ्लोट से जुड़ा लिंकेज है वो वाल्व को ओपन कर देता है, और जब कंडेंसेट का लेवल ड्रॉप होता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है। मैकेनिकल स्टीम ट्रैप के दो डिजाइन हैं, एक तो है इन्वर्टेड बकेट और दूसरा है फ्लोट ट्रैप। यही दोनों कॉमन डिजाइन हैं। इस डायग्राम में हमने इन्वर्टेड बकेट स्टीम ट्रैप का क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। थर्मोस्टेटिक ट्रैप जो है वो इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ये ऑपरेट होंगे थर्मोस्टेटिक ट्रैप। स्टीम का टेम्परेचर कंडेंसेट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। इस अंतर के आधार पर थर्मोस्टेटिक ट्रैप काम करेगा। थर्मोस्टेटिक ट्रैप में वाल्व होते हैं। ये वाल्व जो हैं ट्रैप के अंदर जो मटेरियल है उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पे आधारित होंगे। यानी अगर मान लीजिए बेलोज है वो एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वाल्व ऑपरेट होगा। टेम्परेचर द्वारा ऑपरेट होने वाले ट्रैप्स दो तरह के होते हैं, बाई मेटैलिक ट्रैप और बेलोज ट्रैप। कंडेंसेट से जो है बेलोज कलेप्स हो जाएंगी और बाई मेटैलिक एलिमेंट मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से कंडेंसेट रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिखाया है कि किस तरह से कंडेंसेट की वजह से जो बेलोज हैं वो कंट्रैक्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं और ट्रैप खुल गया। यहाँ पे हमने दिखाया है कि स्टीम की वजह से बेलोज एक्सपेंड हो गई हैं और ट्रैप को बंद कर दिया गया है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ मिसेज अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।